मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नरसिंहपुर जिले में आगमन हुआ है। इस दौरान उन्होंने आधुनिकतम तरीके से बने जिला अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने नर्मदा नदी पर बने नवनिर्मित ककराघाट पुल का भी लोकार्पण किया। बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का पहली बार नरसिंहपुर आगमन हुआ है। अस्पताल और पुल का लोकार्पण करने के बाद जिले में हॉकी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया और जनपद मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री तरुण भनोट, मंत्री लखन घनघोरिया, मंत्री तुलसी सिलावट सहित मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, विधायक संजय शर्मा और विधायक सुनीता पटेल मौजूद रही। इनका दृष्टिकोण है, इनकी दुनिया को है। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है और ये रोजगार या व्यवसाय के मौके बनेंगे जब निवेश आएगा। आपके आगे लग गया एनटीपीसी का एक कारखाना, लग तो गया, पर इससे क्या समस्या हल हुई? कैसे व्यवसाय के नए मौके बने, कैसे नया इन्वेस्टमेंट आए, नया निवेश आए? और निवेश तो तब आता है जब कोई प्रदेश पर विश्वास रखे। आप भी वहीं जाएंगे, उसी दुकान में, उसी बाजार में जाएंगे जहां आपको विश्वास हो। आज मध्य प्रदेश में किसी को 15 साल विश्वास नहीं था। कलाकारी से कितने सम्मेलन कर लिए, 14 साल 13 साल करते रहे सम्मेलन। इतना निवेश आ रहा है, इतना निवेश आ रहा है। सच्चाई तो ये थी कि मध्य प्रदेश में जितने उद्योग लगे गए उससे ज्यादा उद्योग बंद हो गए। तो ये आज हमारे सामने चुनौती है और मैं तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता इनको देता हूं। हमने 7.5 महीनों में अपने नीति और नियत का परिचय दिया, नीति और नियत का परिचय दिया। हमने पेंशन की बात करी थी, मैं दोहराना नहीं चाहता। हमने सामूहिक विवाह की बात करी थी, तिजोरी खाली, पर फिर भी हमने एक शुरुआत करी और हम वचनबद्ध हैं। हम वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएंगे। ये हमारे सामने चुनौती है और आपको यही कहना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने कांग्रेस का साथ दिया, जिस विश्वास के साथ आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाई, हम ये विश्वास घात नहीं होने देंगे।